वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम एक्टिव कैंपेन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, प्लस हम समझेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती हैं, नहीं होती हैं। सो पे क्लोज अटेंशन, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले चलते हैं हम एक्टिव कैंपेन पे। तो यहाँ मैं एक्टिव कैंपेन पे हूँ, ठीक है, और एक बार मैं आपको इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ प्राइसिंग पे हूँ, जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास 500 कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप $9 पर मंथ से एक्टिव कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। वो एक्सपेंसिव नहीं है, $9 कितना हुआ, 700 रुपए करीब हो गया कुछ, है ना, जो कि बहुत ही छोटी सी रकम है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और बाद में हम इसको अपना एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ईमेल एड्रेस है, तो सिंपल आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। मैं एक अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ट्राई इट फ्री। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के इसको ट्राई इट फ्री कर सकते हो। अभी सिंपल नाम वगैरह पूछ रहा है तो हम नाम वगैरह दे देते हैं। फोन नंबर मांग रहे, देखो फोन नंबर हम देंगे नहीं, आप असली फोन नंबर दे देना, मैं दे नहीं रहा फोन नंबर, मैं एक डमी नंबर डाल दे रहा हूँ। व्हाट इंडस्ट्री इज योर बिजनेस इन, किस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, तो मैं कंसल्टिंग एजेंसी डाल दे रहा हूँ। हाउ मेनी इंप्लॉयज डू हैव, मैं 6 से 20 डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। और हाउ मेनी कॉन्टेक्ट्स डू यू हैव, तो अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो लेस देन 500 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है कॉन्टेक्ट की, 5-10 हज़ार लोग ऑलरेडी हैं, तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो लेस देन 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कर दो नेक्स्ट स्टेप। और ये देन कह रहा है व्हाट गोल्स वुड यू लाइक टू अचीव, कि क्या आप अचीव करना चाहोगे एक्टिव कैंपेन से, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्रिएट अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमर जर्नी, आप वो करना चाहते हो, या ईमेल्स भेजना चाहते हो, या क्या करना चाहते हो, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, बिल्ड एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंटेड ईमेल्स, दैट्स इट। और इसको हम कर देते हैं सिंपल नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि क्या आप और अलग टूल यूज कर रहे हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, ओके। तो सिंपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, उसके बिना ही आगे नहीं जाने दिया इसमें। और सिंपल मैं कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। और अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है जी, पासवर्ड डाल दिया, और टेक मी टू माय अकाउंट, ओके। अब ध्यान से देखो, आप यहां पे एक चीज है लिस्ट, राइट। एक बार मैं वॉक थ्रू भी करा देता हूं आपको। आप सबसे पहले आप आओगे तो देखो यहां पे ये चीजें आ रही हैं आपको, ये आपके पास होम स्क्रीन आ रही है, क्योंकि हमने एकदम जस्ट नया अकाउंट बनाया, तो ये कह रहा है कि ये चीजें कर लो भैया, है ना। तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज है कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट में क्या दिखेंगे, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे कॉन्टेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अभी एक कॉन्टेक्ट दिख रहा है, वो मेरा खुद है जो मैंने अभी ऐड किया था, तो वो कॉन्टेक्ट आ रहा है, बाकी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस मैं यहीं चला जाता हूँ, ठीक है। देन आ रहा है आपका कैंपेन्स, अभी आप आगे समझोगे कि कैंपेन्स वगैरह क्या होती है। देन ऑटोमेशन, तो जो भी आप सीक्वेंसेस बनाओगे वो सारे सीक्वेंसेस कहाँ नजर आते हैं, वो सारे सीक्वेंसेस आपको नजर आते हैं ऑटोमेशन में। डील्स, अगर आपने इसका CRM लिया हुआ है तो आप सेल्स देख सकते हो कि किस स्टेज पे आपकी सेल है। अगेन हमने वो लिया नहीं हुआ तो हमारे काम का नहीं है। कॉन्वर्सेशन, अगेन हमारे काम का नहीं है। लिस्ट, आज हम समझेंगे कि लिस्ट क्या होती है। फॉर्म, अगेन आगे के लेसन में हम समझेंगे कि फॉर्म कैसे एम्बेड करना है, कैसे बनाना है। रिपोर्ट्स, जो भी आपकी रिपोर्ट है, कितने आपने मेल भेजी और कितने लोगों ने मेल खोली, कितने लोगों ने क्लिक किया, वो सारी चीजें आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो। तो सब आज के लेसन में हम समझते हैं लिस्ट क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझना। देखो सपोज करो कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी कह लो या मैगजीन्स वगैरह की कह लो, बुक स्टोर कह लो बेसिकली, ठीक है, एक बुक स्टोर है आपके पास और आपके पास बड़ी सारी मैगजीन्स हैं, लोग अलग अलग किस्म की मैगजीन्स आपके यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से कुछ लोग हैं जो गोल्फ की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है,
कुछ लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कोई और चीज से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं। अब ये सारे लोग हैं आपके पास, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने एक नई मैगजीन लॉन्च की, आपने लॉन्च नहीं की, लॉन्च जिस कंपनी ने भी की आपने उनके साथ टाइप किया है ना, और वो मैगजीन है से कुकिंग के बारे में, ठीक है। अब आपने क्या किया स्टार्ट, आपने गोल्फ वालों को फोन करके बोला कि भैया देखो एक कुकिंग की मैगजीन आई है। अब आपने क्रिकेट वालों को फोन किया कि भैया देखो एक नई कुकिंग की मैगजीन आई है। सेम आपने बिजनेस वालों को फोन किया कि भैया देखो एक बिजनेस से एक कुकिंग की मैगजीन आई है ना। अब आपने बिजनेस वाले को फोन किया भैया कुकिंग की मैगजीन आई है, वो कहेगा भाई कुकिंग से मेरा क्या लेना देना है ना, कुकिंग में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है तो बताओ, बट आपके पास तो कुकिंग है। दूसरी चीज क्रिकेट वाले को, क्रिकेट, अरे भैया मेरा क्या कुकिंग शुकिंग बेच रहे हो भैया, कुछ क्रिकेट में आई है तो बता, है ना। कुकिंग में इन तीनों का इंटरेस्ट नहीं है। कुकिंग की अगर आपके पास नई मैगजीन आई है तो वो किसे ऑफर करना चाहिए आपको, वो मैगजीन आपको ऐसे लोगों को ऑफर करना चाहिए जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट किस चीज में है, कुकिंग में, राइट। अब मान लो कि आपने अपने बुक स्टोर में क्या काम किया होता, अगर आपने अपने बुक स्टोर में अलग अलग से आपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर रखे होते, अलग अलग आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे होते कि भैया गोल्फ में किसका इंटरेस्ट है, भैया क्रिकेट में कौन कौन से लोग हैं जो क्रिकेट की मैगजीन खरीद के ले जाते हैं, भैया कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, कौन से लोग हैं जो कुकिंग से रिलेटेड मैगजीन खरीद के लेके जाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप सीधे क्या करते, आप देखते कि भैया कुकिंग में किसका इंटरेस्ट है, आप वो लिस्ट निकालते और आप उनको फोन करते। अब अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन नई लॉन्च हुई है तो आप क्या करते, सिंपल आप क्रिकेट वालों को देखते और आप उनको फोन करते, राइट। तो सिमिलरली ईमेल मार्केटिंग में भी सेम चीज काम करती है ना। अब सपोज करो कि आप ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का आपका प्लेटफॉर्म है और आपके पास कुछ लोग हैं जो कि MBBS की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आपके यहाँ टाई अप किया हुआ है। सिमिलरली कुछ लोग हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली से बस वो आपसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ हैं जो अगेन SSC की तैयारी कर रहे हैं और टू बी स्पेसिफिक वो आपसे कुछ और पढ़ रहे हैं, से वो क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आप को मेल भेजना है, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते कि तीनों को सेम मेल भेज रहे हो, वो काम आप नहीं कर सकते क्योंकि MBBS वालों को SSC में इंटरेस्ट नहीं होगा और जो SSC मैथ्स का आपसे पढ़ रहे हैं उनको SSC रीजनिंग में आपसे पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है ना। तो आप सबका क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सबको एक सेपरेट फोल्डर में डालोगे, सब सबको एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाओगे सबका, और उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम ईमेल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, लिस्ट, ठीक है। उसी सेपरेट रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, लिस्ट। तो अब आप क्या लिस्ट बनाओगे, बहुत ही सिंपल लिस्ट बनाओगे, जिसने भी आपसे MBBS के लिए कोर्स खरीदा है उसको आप एक MBBS की लिस्ट में डाल दोगे, जिसने भी आपसे SSC का कोर्स खरीदा है उसको आप SSC के लिस्ट में डाल दोगे, जिसने आपसे किसी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स खरीदा है आप उसको टीचिंग वाले ग्रेड में डाल दोगे, है ना। तो हर अलग अलग कोर्स को आप अलग अलग लिस्ट में डाल दोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है जी। तो बेसिकली लिस्ट होता क्या है, लोगों को उनके अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप करना, मतलब सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की एक अलग सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब लिस्ट बनाना है, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो पहला काम आपको क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर। तो सेम है, यहां पे गया लिस्ट के अंदर और यहां पे ऑप्शन आ रहा है ऐड लिस्ट, तो मैंने किया ऐड लिस्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, है ना, तो ये हमारे क्या हैं, से कस्टमर हैं तो कस्टमर ले लो, या प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट ले लो, या सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे सिंपल कर सकते हो क्रिएट योर ओन लिस्ट। से हमारे ये प्रोस्पेक्ट है तो मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ले लिया और इसको मैंने कर दिया ऐड। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई जिसका नाम है सिंपल प्रॉस्पेक्ट,
ठीक है। अब सपोज मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं किसके लिस्ट बनाना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने एमबीबीएस का कोर्स खरीदा है, इनके लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो वापस गया मैं, गया एड लिस्ट, और देखो यहाँ पे लिस्ट का नाम पूछ रहा है, ठीक है सिंपल कर देता हूं। मैं गया एड लिस्ट और यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ MBBS स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लिस्ट यूआरएल, आपको अपनी बेसिकली वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है। तो मैं सिंपल से मेरी वेबसाइट abc.com ये डाल देता हूँ, और लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, ये जो बंदे इस लिस्ट में इंक्लूड की, आपने इन लोगों को इस लिस्ट में क्यों डाला है। तो मैं सिंपल डाल देता हूँ यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज्ड आर MBBS कोर्स, सिंपल और ऐड। अब आपने बना दी लिस्ट किसकी, आपने MBBS स्टूडेंट्स की लिस्ट बना दी, ठीक है। तो एक और लिस्ट बनाते हैं, इस बार हम बनाते हैं SSC मैथ्स, ऐसे लोग जिन्होंने SSC मैथ्स की कोचिंग ली है, और यहाँ पे भी मैं abc.com/SSC ये डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू परचेज आर SSC मैथ्स मैथ्स कोर्स, सिंपल इसको ऐड कर दो। और भी कोई है तो सेम उससे ऐड अ लिस्ट, और ऐसे आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो कभी भी आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तो स्टेप वन क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। अब आगे कल के लेसन में हम समझेंगे कि और आगे क्या क्या चीजें होती हैं, और इस लिस्ट का आपको यूज क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।